please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मार्च चलो दिल्ली। अन्ना हजारे एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं केंद्र सरकार को बताने कि उसे अभी किन किन मुद्दों पर और काम करना है। अन्ना हजारे 23 मार्च से लोकपाल लोकायुक्त कानून पर अमल के लिए बात करने आ रहे हैं। किसानों की समस्या का निवारण तथा चुनाव सुधार के लिए दिल्ली में रैली करने वाले हैं। 23 मार्च का दिन इतिहास में बहुत खास रहा है। 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु शहीद हुए थे और एक बार फिर 23 मार्च को अन्ना हजारे जी इतिहास रचेंगे। 23 मार्च को होने वाली रैली के प्रमुख मुद्दे: किसानों की समस्याओं का निवारण, कृषि उपज की लागत मूल्य के आधार पर उच्चतम मूल्य आधारित 50% बढ़ाकर सही दाम मिले, सिर्फ खेती पर निर्भर 60 साल उम्र के किसान और मजदूरों को प्रतिमाह 5,000 पेंशन मिले, कृषि मूल्य आयोग CACP को संवैधानिक स्थान और संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करी जाए, किसानों के हित के लिए स्वाभिमान आयोग की सिफारिश लागू होनी चाहिए। लोकपाल लोकायुक्त कानून के बारे में: मौजूदा लोकपाल लोकायुक्त कानून पर तुरंत अमल हो और लोकपाल की नियुक्ति हो। लोकपाल कानून को कमजोर करने वाली धारा 63 और धारा 44 में किए गए संशोधन रद्द हों। केंद्र के लोकपाल के तहत हर राज्य में सक्षम लोकायुक्त कानून लागू हो। चुनाव सुधार के बारे में: बैलेट पेपर पर उम्मीदवार की कलर फोटो ही उसका चुनाव चिन्ह बनाया जाए। वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीन का उपयोग किया जाए। नोटा को ही राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्रदान करें। जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिले। बिल्डर द्वारा किए जा रहे धोखे के खिलाफ: दिल्ली NCR के घर खरीदारों की आवाज़ को उठाया जाएगा। जिनके साथ भी अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। बिल्डरों के ऊपर सख्ती करी जाएगी और रेरा से भी कड़ा नियम बनाने की सिफारिश करी जाएगी। ये होंगे 23 मार्च के प्रमुख मुद्दे। आइएगा जरूर, देश बदलना है आपको और हमें मिलकर अन्ना जी के नेतृत्व में।